नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त साथ की बात का। दरअसल कोरोना के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में साथ की बात में आज हम आपको डेंगू पर रिपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि कोरोना के साथ साथ डेंगू भी लगातार दस्तक दे रहा है। दरअसल देश में कोरोना के साथ साथ डेंगू के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों लोग इसकी चपेट में हैं। तो ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर कहां कहां क्या हालात हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत में कोरोना के साथ साथ डेंगू भी तेजी के साथ पैर पसार रहा है। रोजाना सैकड़ों लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। देश के कई राज्यों में डेंगू के मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। हर दिन अस्पतालों में डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, साथ ही सैकड़ों मरीजों की मौत हो गई है। राज्यों में कोरोना संकट के बीच डेंगू मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभागों के हाथ पैर फूलने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं कि हालात पर कैसे काबू पाया जाए। हालांकि राज्य सरकार फिलहाल हालात नियंत्रण में होने की बात कह रही है। डेंगू का सबसे ज्यादा कहर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यहां पर यूपी में डेंगू और वायरल बुखार से अब तक 100 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा फिरोजाबाद में लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर डेंगू से अभी तक करीब 75 लोगों ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में जानलेवा बना डेंगू बुखार। उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार तेजी से लोगों को शिकार बना रहा है। प्रदेश में डेंगू के कारण 100 से ज्यादा लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। हालात बिगड़ने का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि केवल फिरोजाबाद में अब तक 75 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। वहीं मथुरा में 17 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि कानपुर में एक हफ्ते के भीतर 10 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो संदिग्ध बुखार कहर बनकर टूट रहा है। गोंडा में प्रतिदिन 3000 से ज्यादा मरीज संदिग्ध बुखार से पीड़ित अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। गोरखपुर, बलिया, जौनपुर, मैनपुरी समेत अन्य जिलों में भी डेंगू की वजह से स्थिति बिगड़ती जा रही है। अस्पतालों में इतनी संख्या में मरीज आ रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी भी इसको लेकर परेशान हैं। दिल्ली में लगातार पैर पसार रहा डेंगू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार भले ही थम गई हो, लेकिन डेंगू लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। अब तक दिल्ली में डेंगू के कुल 124 मामले सामने आए हैं। इनमें से 72 मामले अकेले अगस्त में आए हैं। दक्षिणी नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 4 सितंबर की अवधि में 2018 के बाद इस साल सबसे ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आए हैं। 2018 में 137 लोग डेंगू के शिकार हुए थे। दिल्ली दहल गई थी उस वक्त। जबकि इस साल का आंकड़ा देखें तो जनवरी से सितंबर में ही 124 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस साल डेंगू के कुल मामलों में 58% मामले केवल पिछले महीने आए हैं, जो कि चिंता बढ़ाने वाली बात है। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली में अभी तक डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। हैदराबाद में डेंगू का तांडव। कोरोना संक्रमण के बीच डेंगू का तांडव हैदराबाद में भी देखा जा सकता है। राज्य में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। 594 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर में सबसे ज्यादा डेंगू मच्छर सूचकांक 16 तक पहुंचा है, जो 2018 के बाद से शहर में मच्छर डेंगू सूचकांक का उत्तम स्तर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हैदराबाद के अलावा महबूब नगर, निर्मल, निजामाबाद, रागरेड्डी और पेदापल्ली में भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। 100 घरों में से 10 घरों में डेंगू के पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में डेंगू से गर्भवती महिला की मौत। मध्य प्रदेश में भी डेंगू बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। यहां डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला इंदौर है। जिले में तेजी से लोग डेंगू का शिकार हो रहे हैं। जिले में अभी तक 86 मरीज मिल चुके हैं, जबकि एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। प्रशासन जल्द ही मच्छरों को भगाने के लिए छिड़काव करने की तैयारी कर रहा है। गुजरात में डेंगू और चिकनगुनिया ने बढ़ाया टेंशन।
वहीं गुजरात में भी डेंगू लोगों को अपना शिकार बना रहा है। यहां भी बड़ी संख्या में लोग डेंगू बुखार से पीड़ित हैं। अहमदाबाद में डेंगू और चिकनगुनिया के 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। सरकारी अस्पताल की ओपीडी और वार्ड भर चुके हैं। पंजाब और हरियाणा में भी डेंगू का डंक। पंजाब के पठानकोट में डेंगू के 31 मामलों की पुष्टि हुई है, तो वहीं गुरदासपुर में 8 मामले सामने आए हैं। पठानकोट में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिविल अस्पताल में एक डेंगू वार्ड बना दिया गया है। वहीं हरियाणा में भी डेंगू लोगों को अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हट रहा। डेंगू के लक्षण: अचानक तेज बुखार, सिर में आगे की ओर तेज दर्द, आंखों के पीछे दर्द और आंखों के हिलने से दर्द में और तेजी, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, स्वाद का पता न चलना, भूख न लगना, छाती और ऊपरी अंगों पर खसरे जैसे दाने, चक्कर आना, जी घबराना, उल्टी आना। डेंगू से बचाव के लिए रोकथाम: मच्छरों को दूर रखने के लिए मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट्स, क्रीम, कॉइल और स्प्रे का इस्तेमाल करें। बाहर जाते समय लंबी बाजू की शर्ट और लंबी पैंट पहने। खिड़की और दरवाजों को सुरक्षित करें, आवश्यक हो तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। संभव हो तो एयर कंडीशनिंग घर के अंदर इस्तेमाल करें। पानी को अपने घर के पास इकट्ठा ना होने दें। कूलर, प्लांट्स, स्टोरेज और पालतू जानवरों के कटोरों में बार बार पानी बदलते रहें। बारिश के पानी में ना खेलें। किचन में खाद्य पदार्थों को ढककर रखें, बाहर का खाना ना खाएं। अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए नियमित रूप से धोएं, विशेष रूप से भोजन से पहले। छींकने या खांसने के दौरान अपना मुंह और नाक ढक लें। हर कुछ घंटों में गर्म पानी जरूर पिएं। डेंगू का इलाज और घरेलू नुस्खे: डेंगू के मरीजों को लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। तत्काल डॉक्टरों को दिखाकर इलाज शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे और आयुर्वेद दवाओं से भी डेंगू को काबू किया जा सकता है। आयुर्वेद में गिलोय का बहुत महत्व है। 1 कप पानी में 1 चम्मच गिलोय का रस पीना फायदेमंद रहता है। इसके अलावा पपीते के पत्ते का रस डेंगू फीवर को कम करने में मदद करता है। डॉक्टर्स भी इसकी सलाह देते हैं। डेंगू के मरीजों को खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। मरीज को सुबह शाम आधा चम्मच हल्दी पानी के साथ या रात को आधा चम्मच हल्दी का 1 गिलास दूध या पानी के साथ लें। 8 से 10 तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ मिलकर लें या तुलसी के 10 पत्तों को गिलास में पानी में उबालकर पिएं। आपको बता दें कि लगातार भारत में आयुर्वेद का महत्व बढ़ता जा रहा है और इसकी पुष्टि लगातार सरकार भी कर चुकी है। तो डेंगू से सावधान रहने की जरूरत है ताकि आगे चलकर ज्यादा खतरनाक ना हो। आपने देश के तमाम राज्यों का हाल जान लिया है। आपको यूपी के हाल से भी रूबरू करा देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हालात यूपी के खराब हैं। तो चलिए यूपी के अलग अलग राज्यों से आपको दिखाते हैं रियलिटी चेक। हमारे संवाददाताओं के साथ रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले ये 4 तस्वीरें 4 जिलों की आप देख सकते हैं, मेरठ, लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद। यहाँ पर जो डेंगू के मामले हैं, वायरल बुखार के मामले हैं, वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और ग्रामीण इलाकों में प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है, तमाम तैयारियां जो हैं वो हमारे संवाददाताओं ने देखी है, उस पर हम आपको रियलिटी चेक भी दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरठ का रुख करेंगे। मेरठ से हमारे सहयोगी मुनव्वर चौहान ने रियलिटी चेक किया अस्पतालों का, देखिए। मेरठ में अब बुखार ने अपना कहर बरपा रखा है। इस वक्त मेरठ मेडिकल कॉलेज में हमारी टीम मौजूद है, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां जो पर्ची बनवाने के लिए लाइन लगी है, खासतौर से महिला और पुरुष की यहां पर कतार लगाई गई है। कैमरे से गांव दिखाएं, बड़े स्तर पर ये कतार लगी हुई है। सुबह से पर्ची बनने का दौर शुरू होता है और शाम तक निरंतर इसी प्रकार चलता रहता है। बड़ी तादाद में जो मरीज है वो बुखार से प्रभावित मिल रहे हैं। हालांकि मेरठ मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में बड़े स्तर पर मरीज भर्ती हैं। मैं इन कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुलक्षा। किस लिए आए हैं? दवाई के लिए। क्या दिक्कत आ रही है?
बीमार है और क्या हो रहा है? किसको हो रहा है? आपको हो रहा है? आपको क्या दिक्कत है? हेपेटाइटिस सी है। दिक्कत हो रही है जी? कब से खड़े यहाँ पर? एक घंटा हो गया। नंबर नहीं आया अभी? नहीं। कितने लोग थे आपसे पहले? कुछ कम उम्र मेरे से आगे 30-35। अच्छा, इसी तरीके की जो समस्या है और जो लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, यही वजह है कि जो बुखार का प्रकोप है बढ़ रहा है और लोगों को इतनी लंबी कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है? क्या नाम आपका? शारदा। किस लिए आए यहाँ पर? दवाई लेने। क्या दिक्कत आ रही है? सिर में परेशानी रहती है। अच्छा, कोई कब से है दिक्कत? दिक्कत को तो मेरे को तो ये रहे इतने सारे पर्चे हैं जब से दवाई खा रही हूँ। क्या नाम आपका? आप किस लिए आए? एलर्जी है। आप किस लिए आए? लड़की की पैर में पस पड़ गई। अच्छा, आप किस लिए आए? सिर में दर्द। अच्छा, कब से हो रहा है? मतलब मम्मी के सिर में दर्द है। आप किस लिए आए? दवाई लेनी है उनकी भाभी की, बच्चों की। अच्छा, तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो कतार है वो काफी लंबी है और सभी को समस्या है, चूंकि मानसून के जाने के बाद वायरल फीवर ने दस्तक दी है। डेंगू मलेरिया का तो खौफ है ही, उसके अलावा बुखार का भी बड़ा खौफ है। यहाँ पुरुष की लाइन है, पुरुषों की लाइन हालांकि कम हुई है। सबसे पहले जान लेता हूँ, किस लिए आए अंकल आप? जी, किस लिए आए यहाँ पर? दवा के लिए। क्या परेशानी है? पैरों में फूल है। अड़कल हो रही है? बुखार हुआ था? फूल है, फूल। आप किस लिए आए? सर, मेरी वाइफ एडमिट है यहाँ पे। क्या हो गया? उनको टीबी और चेस्ट में इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी भी है जी। तो मैं डॉक्टरनी को दिखा के दवाई लेने के लिए आया हूँ। मैं खड़ा हूँ, मुझे अभी आए हुए 10 मिनट हो गए यहाँ पे। आप किस लिए आए? दवाई लेने आई। क्या हो गया? इन्फेक्शन है। किस बात का इन्फेक्शन? कैसे हो गया? क्या कह रहे हैं आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया, जब यहाँ पे दवाई उपलब्ध नहीं है तो लिख के क्यों दे रहे हैं डॉक्टर? दवाई कहाँ? दवाई तो होनी चाहिए। नहीं, ये दवाई यहाँ पे बाहर से लिख रहे हैं। क्या कारण है? ये कारण बताओ आप ही। किन्ने लिखी दवाई? कौन डॉक्टर? चरम रोग विशेषज्ञ है, हस्ताक्षर करे होंगे यहाँ पे। डॉक्टर सुमैया सिंगल। डॉक्टर सुमैया सिंगल है। अच्छा, क्या इन्होंने दवाई यहाँ पर लिखी है? हाँ, लिखी। मिली नहीं? नहीं मिली। अच्छा, है नहीं, और उन्होंने कहाँ से लेकर आए? बाहरी स्टोर से लाए। आप कहाँ से लगाए? मैं 13 नंबर में से डॉक्टर ने को दिखा के लाऊं, उन्होंने लिख दी, मगर ये नहीं पता इसमें कितनी यहाँ मिलेगी और कितनी बाहर मिलेगी। अच्छा, क्या कारण है जो यहाँ पे दवाई उपलब्ध नहीं है? गवर्नमेंट कहती है हम सब करा रहे हैं, हर चीज फ्री है, पैसा लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? क्या कारण है? काय की दवाई है? चरम रोग की दवाई है। जाँच के पैसे कौन ले रहा है? नहीं, खून के हर चीज के पैसे होते हैं जब हमारे वो बने। बाहर से लाइन लगा रहे, पर्चा अंदर लेके, जब मरीज को नहीं देखेंगे तो जांच कैसे करेंगे? किस चीज की दवा लिख दी? किसकी लिख दी? मरीज भी देख रहे? नहीं देख रहे। एक मरीज पे लग रहे हैं 2-3 घंटे से, क्या उसका क्या कारण है यहाँ? हाँ, ये बताइए आप। देखिए, ये एक बड़ी समस्या देखने को मिली। हालांकि पहले ऐसे होता था कि दवाई बाहर से आती थी, लेकिन कोविड काल के बाद डॉक्टरों ने ओपीडी शुरू की और मरीजों को देखना शुरू किया। लेकिन यहाँ इनकी शिकायत है कि डॉक्टर मरीजों को ना देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे और दूर से ही दवाई लिख दे रहे हैं, और वो भी दवाई बाहर मिलती है। ऐसे में इस बात की पुष्टि करने की कोशिश की जाएगी, आखिर ये वजह क्यों है और ऐसी क्या वजह है कि लोगों को बाहर से दवाई लानी पड़ रही है? क्या यहाँ पर दवाई है? नहीं है। आप किस लिए आए हैं? वैसे एलर्जी है। हाँ। हमारी वाइफ को और 2 ही बच्चे हैं जी। क्या हुआ, कैसे एलर्जी हो गई? ये दाद हो रहे हैं इनके, दाद हो रहे हैं। कहाँ से लाए दवाई? जी बस ये ट्यूब मिली है यहाँ से, बाकी सब बाहर से लिखी है। बाहर से लानी पड़ेगी जी। हाँ, ये बाहर से दवाई लाने का जो शिकायतें हैं लगातार मिल रही हैं। हालांकि ये भी जान लेंगे ऐसी वजह क्या हो रही है कि सरकार से तमाम जो बड़ा बजट है वो उपलब्ध होता है और बाहर से लोगों को दवा लानी पड़ती है। वायरल फीवर के चलते मेरठ मेडिकल कॉलेज के अंदर बड़ी तादाद में मरीज पहुंचे हुए हैं, मरीज भर्ती हैं, और इन मरीजों को किस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है ये भी जानने की हम कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि बाहर बड़ी तादाद में लोग पर्ची बनवा रहे हैं। प्रमुख अधीक्षक का कहना है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि यहाँ पर जो मरीज हैं, जान लेते हैं क्या समस्या है, क्या दिक्कत है आपको? इन्फेक्शन हो गया था, वो बुखार के कारण इन्फेक्शन हो गया था साहब। फिर ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है? ट्रीटमेंट तो हमने तो कराई नहीं है, हमारा नहीं करा, कल से हुआ ही नहीं है हमारा। कोई देखने नहीं आया? तुम जा रहे भाई, रेफर हो गए। हाँ, आ रहा कोई? नहीं आ रहा कोई? नहीं। और पुराने जो पेशेंट थे जो उनसे पूछो, आ रहा बहुत बड़ी तादाद में बुखार के पेशेंट है। तो ये समस्या है, बुखार के पेशेंट बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि प्रमुख अधीक्षक का कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं।
जो मरीजों की संख्या है वो काफी ज्यादा संख्या है, क्योंकि जगह जगह मरीज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि जो व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, जो डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए थी वो शायद अभी कम है, इसी वजह से थोड़ी बहुत अगर समस्या आ रही है, और यही है। बहरहाल अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ इंडिया, मेरठ। वही लखनऊ से ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी ने भी रियलिटी चेक किया है, देखिए। इस टाइम मैं मौजूद हूँ लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं, पूछ लेते हैं इनसे कि सरकार के जो दावे हैं वो वाकई में पूरे हैं या नहीं। मैम सबसे पहले बताइए कि आप आई हॉस्पिटल बलरामपुर, सरकारी हॉस्पिटल है ये, क्या आपको लगता है यहाँ पे जो दावे हैं सरकार के वो पूरी तरीके से हैं? फिलहाल तो नहीं है, यहाँ की सर्विसेज ही बहुत घटिया है। किसी को कोई टाइमिंग देते हैं, उस टाइमिंग में कोई काम नहीं करना, आराम से एकदम फुर्सत होके बैठते हैं, ज़्यादा कोई काम उस टाइप से होता ही नहीं है जैसे बताया जाता है। मरीज़ भले ही मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कोरोना भी चल रहा है अभी, और ऐसे में वायरल फीवर भी बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, तो लोग तो जागरूक हैं। अंदर आप हॉस्पिटल से अभी बाहर आ रही हैं, अंदर क्या है? अंदर कोरोना है नाम का है, फिलहाल यहाँ पे बहुत गंदगी है। ऊपर जाके देखिए इमरजेंसी में इतनी स्मेल, हर जगह आपको कुछ ना कुछ गंदगी ही मिलेगी, बस यही है। थैंक यू मैम। आप कुछ बोलेंगी? आप बुज़ुर्ग हैं, आप आई हैं यहाँ पर? इन्हीं के साथ हैं हम तो, मेरे खुद तकलीफ़ है, मैं मरीज हूँ खुद। अच्छा, मेरे कुछ लोगों से और जान लेते हैं यहाँ की हकीकत है क्या। सरकारी हॉस्पिटल है ये भी, आप भैया बताएंगे? जी, सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया है, अच्छा इलाज भी हो रहा है। यहाँ पे जो सरकार कह रही है कि पूरी तरीके से बेड है, डॉक्टर टाइम से मिल रहा है, वायरल भी चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है। जी मिल रहे हैं, सब लोग मिल रहे हैं। आप बताओ भैया, आप यहाँ क्यों आए? हम हरदोई से आ रहे हैं। क्या इलाज कराने आए आप? मैडम का इलाज। अच्छा अच्छा, आप बताओ यहाँ के हालात अंदर के क्या है? ठीक है ना? ठीक है। कुछ लोगों का मानना यही है कि हालात ठीक है, और भी लोग हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं कि पूछते हैं उनसे कि हॉस्पिटल के जो हालात हैं कोरोना को लेकर, फीवर को लेकर क्या तैयारी है हॉस्पिटल में, क्योंकि सरकार ने तो पूरी तरीके से यही कहा है कि जो योजनाएं हैं वो खासतौर से स्वास्थ्य को लेकर वो काफ़ी सतर्क है, और इन सतर्कता को देखते हुए लोगों में कितनी जागरूकता है वो जान लेते हैं। भैया बताओ, आप कहाँ से आए हो? भैया हम घी लेके आए थे, रिफाइंड लेने आए। अच्छा, आप अंदर हॉस्पिटल में गए हो? अस्पताल में नहीं गए। कोरोना भी चल रहा है, टाइफाइड है, वायरल फीवर काफ़ी चल रहा है, तो आप खुद सक्रिय हो, सतर्क हो? हाँ। कुछ लोग सक्रिय हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं, उनमें से जैसे आप बताओ, आप हॉस्पिटल आए? हाँ हॉस्पिटल आए। आप मास्क नहीं लगाए हैं? टाइम पे निकाल दिया था। नहीं बिल्कुल है नहीं, है हमारे पास मास्क लगाने के लिए है। अच्छा ये बताइए, आप हॉस्पिटल में आए, अंदर क्या है? जो सरकार कह रही है कि बेड भी तैयार है, वायरल को लेकर भी तैयार है, कोरोना को लेकर भी सजग है, सब कुछ है जाके बोले। यहाँ पे दिक्कत एक चीज़ है, मैं 3 घंटा हो गया मरीज लेके आया, अभी तक कोई बेड मिला नहीं है, मैं अभी इसमें बेड नहीं मिला हमें। अच्छा, कोई भी किसको क्या बीमारी क्या थी? बीमारी उसके पेट में थोड़ा पित्त की उससे सूजन है, उसी के चक्कर में 3 घंटा से मैं बैठा हूँ। सरकार के जो दावे हैं वो फेल है? सरकार के दावे तो फिल हमें नज़र आ रहे हैं, 4 घंटा 3 घंटा से यहाँ से मरीज के लेके बैठे हैं, अभी तक तो कोई सुविधा मिली नहीं है हमें। अच्छा, तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे खड़े हुए हैं? हाँ, कम से 3-4 घंटा सुबह से आए हैं, मैं आ रहा रायबरेली से। ठीक है, सब लोगों का यही मानना है लगभग कि यहाँ पे कुछ जगहों पे सरकार के जो दावे हैं वो पास भी हैं, कई जगह पे फेल भी हैं, क्योंकि अंदर के हालात क्या है वो वहाँ जाके देखते हैं कि डॉक्टर है या नहीं, या बेड की क्या तैयारी है। और इसके साथ ये भी देख सकते हैं कि एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस की हालत भी काफ़ी सुधरी भी नज़र नहीं आ रही है, जर्जर हालत में ज़रूर है। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया आप हॉस्पिटल ही आए हैं? हाँ, यहाँ नहीं, ओपीडी में आए हुए। अच्छा, आपको लगता है वायरल भी है, कोरोना भी चल रहा है, और सरकार के जो दावे हैं रियलिटी क्या है? रियलिटी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब भी लोग बताते हैं, हम तो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ तो कोरोना ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ आके पता चला, यहाँ भी लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं है। ज़्यादातर पब्लिक की आवाज़ यही है कि कोरोना नहीं है, सिर्फ इंटेक्शन आ रहे हैं कि कोरोना है, कोरोना है। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूरी है कि मास्क आप लगाइए, सेफ्टी अपनी करिए। यानी कि लोगों को खुद सतर्क होना चाहिए, खुद जागरूक होना चाहिए। जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जो आ चुका है ना वो जाना नहीं है, सेफ्टी अपने लिए करोगे ना,
तो अपनी सेफ्टी तो करना ही है, अगर सरकार कहती है तो उसमें आपका कोई अहित नहीं है। हॉस्पिटल के हालात अंदर से क्या होते हैं जब आप लोग अंदर जाते हैं, मरीज आपका एडमिट है? देखिए हम पहली बार आए हैं ओपीडी में, वहाँ हमें बहुत बेस्ट लगा, बहुत साफ़ सफाई है, बहुत कायदे से डॉक्टर लोग बात करते हैं, वहाँ का हमें सीन देखे हमें बहुत अच्छा लगा। इमरजेंसी गेट पर हम इसके अंदर गए नहीं हैं, यहाँ हम किसी से मिलने के लिए आए हैं। आप ये मानते हैं कि कोरोना हो या वायरल हो, खुद में सतर्क रहना चाहिए, मास्क लगा कर रहना चाहिए? ये तो हर इंसान को अपने प्रति सतर्कता रहना चाहिए। हमें प्यास लगी, पानी की ज़रूरत है, हम नहीं पियेंगे क्या? और हमें अगर वायरस से बचना है तो हम मास्क लगाएंगे, और नहीं बचना है तो इसको सरकार नहीं बचाएगी आपको। मैम आप बताइए, सरकार महिलाओं को लेकर काफ़ी सजग है, तो आप बताइए कि आपको लगता है कि ये रियलिटी जो हॉस्पिटल की होती है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या कुछ और चेंजेस चाहती हैं ऐसे कोरोना को लेकर, फीवर को लेकर, और क्या हो सकता है नया हॉस्पिटल? मैंने ये ज़रूर कहूँगी कि मैं ओपीडी अभी होकर आई हूँ, वही हॉस्पिटल ये है, वहाँ इतनी साफ़ सफाई है तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ आप मेन गेट ही देख लीजिए कितना गंदा मिल रहा है आपको, सबसे बड़ी बात बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ का ये फेमस हॉस्पिटल है बलरामपुर, मेन गेट है यहाँ का, ये इमरजेंसी वार्ड है, जो भी केस आते हैं सबसे पहले यहीं पे लाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भी ये कहना है कि यहाँ के जो गंदगी है वो बहुत साफ़ दिख रही है। अंदर पीछे ठीक आप देख सकते हैं यहाँ का ये इमरजेंसी वार्ड है, अलाउ नहीं है यहाँ पर अंदर जाना, लेकिन जो महिलाएं हैं, अभी कुछ लोगों से बातचीत हुई है तो उन्होंने यही बताया कि अंदर कोई खास साफ़ सफाई नहीं है, मरीज़ जो है अंदर काफ़ी परेशान होते हैं, उनके कुछ पेशेंट खुद भी एडमिट है। अब ये देखना बिल्कुल सही होगा या कहना ये बिल्कुल सही होगा कि लखनऊ में भले ही सरकार ने अपने दावे कुछ भी किए हो, लेकिन जब धरातल पे उतरते हैं तो देखने को कुछ और ही मिलता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रूबी सिद्दीकी, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं फिरोजाबाद से भी हमारे सहयोगी किशन चंद ने खास रियलिटी चेक किया है, देखिए। उसे बुखार आया है, बुखार आया था तो दूसरे दिन छुट्टी कर रहे थे लड़की की, अब तो हो गए इलाज, कहीं काम से ले जाओ, सही होगी नहीं सही कैसे होगी, तब फिर दोबारा भर्ती की, फिर नहीं छुट्टी की, जब मैंने बोल दिया मैं नहीं छुट्टी करा रही, लड़की मेरी परेशान, छुट्टी करा के लेकर जाऊँगी, तब फिर तो ठीक है, फिर नहीं बोला छुट्टी करने के लिए, अब 3 दिन हो गए मेरी लड़की को, अब तो दवाई सही मिल रही है। कि जब तक मैं स्वयं अपनी आँखों से देख ना लूँ तब तक बात नहीं कर सकता है। जो मुझे लोगों ने बताया वो ये बताया कि वहाँ पे काफ़ी मात्रा में इंक्रीज़ हुआ है और काफ़ी एक्टिविटी बढ़ी है। अब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी पर्याप्त नहीं है तो वो मैं देखूंगा, असेसमेंट होगा, अगर जरूरत होगी। सेटिस्फेक्शन की बात की, एक बेड पे 4-4 बच्चे लेटे हुए हैं, ऐसा तो नहीं दिखा, एक आध जगह पे कहीं पे एक दो बच्चे, 100 लोगों का बेड है, सिर्फ तभी 100 शैया नाम है इस अस्पताल का, 400 बच्चे, आपने खुद बताया 350 से ज्यादा बच्चे हैं, तो कहाँ लेटे हुए हैं, सिर्फ कहाँ लेटे हुए हैं? ऐसा है कि वहाँ पे बेड्स बढ़ाए हैं, आप जाके देखेंगे कॉरिडोर्स में रखे हैं और जगहों पे रखे हैं, जो हमारे स्टोर रूम्स थे वो खाली करा के उनको बेड्स बनाए हैं, 200 बेड्स यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए मैडम, ऐसा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा आउटब्रेक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस समय मौजूद हैं फिरोजाबाद के 100 शैया अस्पताल में, और इस समय जो फिरोजाबाद की जो स्थिति है वायरल फीवर की वो काफ़ी गंभीर है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जितने भी बेड यहाँ लगाए गए हैं सभी पर दो दो बच्चे ज़्यादातर भर्ती हैं, और डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। हमारे साथ जो तीमारदार हैं उनसे हम बात करते हैं कि उनको किस तरीके के उनके बच्चे को इलाज मिल रहा है और क्या हुआ था बच्चे को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल किशोर है, और हमारे दो बच्चे हैं, एक सौरभ एक रोहित है, वो आज सुबह एडमिट कराए हैं हमने, तो इलाज तो सही चल रहा है और देखभाल भी सही कर रहे हैं, बट ये है कि जो प्राइवेट में दवा लगती थी उस तरीके से दवा यहाँ पर थोड़ी सी कम लग रही है, ये थोड़ी सी समस्या है, और वैसे देखभाल डॉक्टर्स सही देख रहे हैं, कहने पर आ रहे हैं, और इसमें और एक बेड पे मेरे दो बच्चे हैं, उसके दोनों एक ही बेड पे लेटे हुए हैं, और इलाज तो सही चल रहा है, मैं ये कहूँगा, कहने पर डॉक्टर्स आ रहे हैं। जो आपके बच्चे हैं कहाँ के आप रहने वाले हैं, और बच्चों को कब यहाँ भर्ती कराए? आज सुबह भर्ती 10-11 बजे करीबन कराया था, और हम इरनगा रेलवे स्टेशन के गाँव मेहरी लतुर्रा के रहने वाले हैं, और यहाँ पर सुबह एडमिट कराया था 10-11 बजे। तो ये थे तीमारदार, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो इनके दो बच्चे सुबह इन्होंने भर्ती कराए हैं जिनको वायरल फीवर था, और उनको भर्ती होने के बाद वहाँ इलाज चल रहा है, और फिलहाल उनकी जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा सही तरीके से इलाज दिया जा रहा है,
और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं और आप यहाँ हॉस्पिटल में हैं क्या, मतलब क्यों आए हैं आप हॉस्पिटल में? नहीं, हमारे भतीजे परेशान हैं, उसने देखे हुए आए थे और गांव मेरी के रहने वाले हैं। क्या हुआ आपके भतीजे को? डेंगू बुखार की शिकायत। अच्छा, तो वो कब से यहाँ भर्ती है और किस तरीके से इलाज मिल रहा है बच्चे को? इलाज तो सही मिल रहा है, पर सही है, वो आज ही भर्ती कराई है आज 11 बजे। कितने वर्ष का होगा बच्चा? एक होगा 13-14 साल का, एक होगा 8-9 साल का। दो बच्चे। आप भी यहाँ खड़े हो जाते हैं, हमारे साथ और भी हैं एक तीमारदार, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका यहाँ पर कौन भर्ती है और किस तरीके से यहाँ पर इलाज मिल रहा है। क्या नाम है आपका? प्रमोद। प्रमोद जी, आप सामने देखिए, ये बताइए कि आपका यहाँ कौन भर्ती है और क्या हुआ था, पूरी बात बताइए आप। हमारे यहाँ भतीजा भर्ती है, डेंगू की शिकायत है, कल एडमिट कराया था, 10 साल का है और इलाज सही चल रहा है, बरकरार है, कोई दिक्कत ना, आराम है, इलाज सर्विस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो फिलहाल। तो ये थे तीमारदार, इनके भी भतीजे यहाँ भर्ती हैं और दो भतीजे हैं। बताया जा रहा है कि आज सुबह ही इन्हों भर्ती कराया गया, वायरल फीवर था इनको और जो कि यहाँ इनको इलाज मिल रहा है। फिरोजाबाद से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए किशन चंद। वही आगरा से भी अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, मेरे सहयोगी अमित शर्मा वहां पर मौजूद थे। आगरा में फ्लू, डेंगू और चिकनगुनिया का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेके प्रशासन तमाम अपने दावे कर रहा है। आज हम SN मेडिकल कॉलेज यानी सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं। यहाँ पर हम जांचेंगे कि SN मेडिकल कॉलेज और प्रशासन द्वारा किए जा रहे वायरल फीवर से निपटने के दावों में कितनी सत्यता है। डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के जो दावे अब तक किए गए हैं, उसकी रियलिटी आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के कैमरे के अंदर कैद हुई है। आज सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के अंदर डेंगू और चिकनगुनिया के जो वार्ड बनाए गए हैं, जो वायरल फीवर के वार्ड बनाए गए हैं, उनका रियलिटी चेक किया गया है, जिसमें पाया गया कि डेंगू वार्ड के अंदर डॉक्टरों की पूरी तैनाती है। जो डॉक्टर हैं वो लगातार डेंगू और चिकनगुनिया से संबंधित मरीजों का बेहतर इलाज कर रहे हैं। SN मेडिकल कॉलेज के जो प्रोक्टर हैं, जो चीफ प्रोक्टर हैं, उनका दावा है कि अब इतना ही, कल फिर लौटेंगे तमाम उन खबरों के साथ जो आपसे सीधे जुड़ी रहती हैं।